आज के गेमिंग न्यूज़ के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं फ्री फायर, एमंग अस, सबवे सर्फर्स, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक का पीसी पोर्ट, प्रिंस ऑफ पर्शिया, रेजिडेंट ईविल 9, रेजिडेंट ईविल 1 का रीमेक, मार्वल का गेम एंड और भी बहुत सारी न्यूज़ के बारे में। सो वीडियो को भाई एंड तक देखना वरना भाई बहुत कुछ मिस कर जाओगे आप। काफी टाइम बाद एमंग अस की तरफ से न्यूज आ रही है भाई। तो उसके 2024 के रोड मैप के अकॉर्डिंग गेम में नए अपडेट्स आने वाले हैं जिससे गेम प्ले और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। गेम में नए रोल्स जैसे कि इंजीनियर और साइंटिस्ट ऐड किए जाएंगे, साथ ही सेटिंग्स मेन्यू को रीडिजाइन किया जा रहा है और यूजर फ्रेंडली बनाया जा रहा है। इसके अलावा नए कॉस्मेटिक्स और कुछ कोलैब्स भी अनाउंस किए जाएंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट्स भी रोड मैप में शामिल हैं जैसे कि लॉबी म्यूजिक और चैट इंप्रूवमेंट्स। बाकी आप बताओ मेरे को कि यार एमंग अस अभी भी खेलते हो या फिर नहीं। एक्सबॉक्स के मोबाइल गेम्स का स्टोर जिसकी बात भाई बहुत टाइम से हो रही थी वो अब फाइनली आने वाला है। ब्लूमबर्ग के साथ एक रीसेंट इंटरव्यू में एक्सबॉक्स की प्रेसिडेंट सारा बॉन्ड ने शेयर किया कि माइक्रोसॉफ्ट अपना एक्सबॉक्स मोबाइल गेमिंग स्टोर जुलाई में लॉन्च करने वाला है। स्टार्टिंग में सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के गेम्स ही अवेलेबल होंगे जैसे कि कैंडी क्रश या फिर माइनक्राफ्ट या फिर कोई और, एंड कुछ टाइम बाद थर्ड पार्टी गेम्स भी आने लगेंगे स्टोर में। ये स्टोर ना वेब पर लॉन्च होने वाला है, मतलब कि इसको एक्सेस करने के लिए आपको ब्राउजर का यूज करना पड़ेगा। इसका रीजन ये है कि भाई अलग अलग लोगों पे अलग अलग डिवाइस होते हैं, सो भाई हर कोई वेब पर इसे एक्सेस कर पाएगा। मेरे हिसाब से तो रीजन ये भी है कि यार एप्पल एंड गूगल ने इस ऐप को अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए ये सब लोग अभी वेब पे ही फोकस कर रहे हैं। खैर इसकी लॉन्च से अब माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल गेमिंग मार्केट में भी उतर पाएगा और हम जैसे लोगों को ना एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर्स के अलावा एक अल्टरनेटिव मिल जाएगा, क्योंकि भाई इन दोनों ने ना अभी बहुत बड़ी डुओपोली बना रखी है। बात करते हैं उन गेम्स के जिन्हें फ्री में क्लेम कर सकते हो। इस वीक एपिक गेम स्टोर में मिल रहा है सर्कस इलेक्ट्रिक फ्री में। बाकी नेक्स्ट वीक यानी कि 16th मई से ना भाई मिस्ट्री गेम स्टार्ट होने वाली है, जिसका मतलब अगले 4-5 हफ्ते तक हमें मिस्ट्री गेम्स मिला करेंगी हर वीक। लेट्स सी भाई क्या आता है यार इस बार। GTA 5 तो नहीं आएगा यार, ऐसे चमत्कार बस एक बार ही होते हैं जिंदगी में। बाकी और कौन से गेम्स आएंगे वो देखते हैं। आप कितने ही नए गेम्स खेल लो भाई, पुराने गेम्स में जो नॉस्टैल्जिया है ना वो किसी में नहीं है। एंड सबवे सर्फर्स वही नॉस्टैल्जिक लुक को वापस ला रहा है। सबवे सर्फर्स क्लासिक अपडेट में वही पुरानी क्लासिक स्टाइल वापस आ गई है जो कि 2012 में गेम शुरू होने के टाइम पे थी। इस अपडेट में ना नए करेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं जैसे कि हैमी बी, पिक्सल जेक और गार्ड किंग। ये अपडेट 13th मई से 2nd जून तक चलेगा और इसमें कुछ नए बोर्ड्स भी होंगे। इसके अलावा प्लेयर्स अब गेम में ना अपनी प्रोफाइल भी बना सकते हैं और अपने प्रोग्रेस दूसरे प्लेयर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आप भाई वही पुराना सबवे सर्फर्स खेलना चाहते हो ना तो इसको जरूर ट्राई करना अपडेट को। आपको शायद याद होगा द रोग प्रिंस ऑफ पर्शिया ना, जो कि 2D रोगलाइट गेम है, उसका अर्ली एक्सेस 14th मई से स्टार्ट होने वाला था। अभी इसके डेवलपर स्टूडियो इविल एम्पायर ने गेम को ना डिले कर दिया है। ये डिले हेडीज 2 की वजह से हुआ है। हेडीज 2 ना 6th मई को अर्ली एक्सेस में लॉन्च हुआ है और अभी से टॉप चार्ट्स में आ चुका है, और अगर द रोग प्रिंस ऑफ पर्शिया भी अभी लॉन्च कर देते तो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में आ जाता, इसलिए भाई डिले किया जा रहा है। बट वो भी ज्यादा लंबा नहीं होगा। यूबीसॉफ्ट और डेवलपर इविल एम्पायर ने अनाउंस किया है कि नई रिलीज डेट 13th मई को अनाउंस की जाएगी एंड ये पक्का है कि इसी मई में रिलीज हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो डिले की वजह से ना डेवलपर्स को और टाइम मिल गया है गेम के बग्स को फिक्स करने का और हमें एक बेटर गेम देने का। अगर आप पीसी गेमर हैं और आपको गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक पसंद है तो भाई आपके लिए काफी बढ़िया खबर। पीएस स्टोर लीकर बिलबिल कुन ने बताया कि भाई गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक ना बहुत जल्द पीसी पर भी लॉन्च होने वाला है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसके अनाउंसमेंट मई में ही हो सकती है और एक्सपेक्टेड है कि भाई साल के एंड तक ये आ भी जाए। वैसे भी यार गेम को रिलीज हुए तब तक 2 साल हो चुके होंगे। प्लेस्टेशन ना अभी इस टाइम ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है कि भाई गेम को पहले PS5 पे रिलीज करो एंड देन उसके 1 या फिर 2 साल बाद उसे पीसी पे रिलीज कर दो। सो जिनको जल्दी खेलना है भाई गेम वो PS5 खरीद लेंगे एंड जिन पे थोड़ा सा पेशेंस है वो 1-2 साल बाद पीसी पे खेल सकते हैं। आपको याद होगा कि बस 1-2 महीने पहले ही मार्वल राइवल्स गेम अनाउंस हुआ था जो कि एक तरह से वेलोरेंट एंड ओवरवॉच जैसे ही गेम था बट विद मार्वल करेक्टर्स एंड देयर सुपर पावर्स। सो रिसेंटली ना गेम के करेक्टर्स की गेम प्ले फुटेज लीक हो गई है। ये फुटेज फायर मंकी ने ट्विटर पर अपलोड करी थी और इस गेम प्ले में ना सारे करेक्टर्स की एबिलिटीज दिख रही हैं। कुछ करेक्टर्स क्लोज कॉम्बैट में दिख रहे हैं तो कोई दूर से मारना पसंद करता है। ये गेम पीसी के लिए फ्री में लॉन्च होने वाला है। लॉन्च के टाइम पर इसमें 20 करेक्टर्स होंगे लेकिन भाई गेम में टोटल 39 करेक्टर्स के कोड्स भी मिले हैं, जिसका मतलब ये कि भाई लॉन्च के बाद भी काफी नया कंटेंट आने वाला है। अभी इसकी कोई रिलीज डेट तो अनाउंस नहीं हुई है लेकिन क्लोज अल्फा टेस्ट 10th मई को स्टार्ट हुआ था, तो हो सकता है कि भाई गेम इसी साल रिलीज हो जाए। अब इंडिया में तो फ्री फायर लॉन्च होने वाला है लेकिन इंडोनेशिया में शायद फ्री फायर बैन हो सकता है। वहां की टूरिज्म और क्रिएटिव इकोनॉमी मिनिस्टर ने कहा है कि फ्री फायर की वजह से इंडोनेशिया के बच्चों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि भाई इस पर अर्जेंट एक्शन लेना जरूरी है ताकि ऐसे गेम्स का इन्फ्लुएंस रोका जा सके जो कि बच्चों पर बुरा असर डाल रहे हैं। अभी तक तो कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया लेकिन गवर्नमेंट इस सिचुएशन को क्लोजली देख रही है। बाकी देखते हैं बैन होता है या फिर नहीं होता एंड ये बहुत ही खराब हो सकता है गरीना के लिए क्योंकि इंडोनेशिया उनकी बहुत बड़ी मार्केट है। आप बताओ कि क्या गेम बैन होना चाहिए या फिर नहीं, और मैं चाहूंगा कि भाई आप फ्री फायर की जगह ना अपने फेवरेट गेम को रखकर देखो एंड फिर सोचो कि बैन होना चाहिए या फिर नहीं। बिकॉज बहुत से ऐसे गेम्स होते हैं जिनके अगेंस्ट हम बायस होते हैं एंड आसानी से कह देते हैं भाई हाँ बैन कर दो, पर जब हमारे फेवरेट गेम की बात आए तब रिएक्शन अपोजिट रहता है।
जुरासिक वर्ल्ड फ्रेंचाइज फ्रंटियर डेवलपमेंट्स के लिए ना टॉप रेवेन्यू जनरेटर बन गई है और ओरिजिनल जुरासिक वर्ल्ड एवोल्यूशन उनका अब तक का बेस्ट सेलिंग टाइटल है। सो फ्रंटियर डेवलपमेंट्स एक नए जुरासिक वर्ल्ड गेम पर काम कर रहा है। गेम का नाम तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन चांसेस है कि ये जुरासिक वर्ल्ड एवोल्यूशन सीरीज का थर्ड पार्ट होगा। ये गेम फिस्कल ईयर 2026 के बीच में रिलीज हो सकता है यानी कि जून 2025 से मई 2026 तक। फ्रंटियर और भी दो गेम्स पर काम कर रही है, एक तो उनका खुद का न्यू आईपी है और दूसरा क्रिएटिव मैनेजमेंट सिमुलेशन गेम है। तो भाई गेम के फैंस के लिए ना काफी एक्साइटिंग न्यूज आई है। लीक्स के अकॉर्डिंग रेजिडेंट ईविल 9 के प्रोलॉग में लियोन एस कैनेडी मेन कैरेक्टर होगा और गेम में उसकी एज 48 इयर्स हो चुकी होगी। और ये गेम ना साउथ ईस्ट एशिया में सेट, मतलब कि स्टोरी का स्टार्ट यहीं से होगा और शायद हमें कुछ नए लोकेशंस और एडवेंचर्स भी गेम में देखने को मिलेंगे। फिर सेम सोर्स के अकॉर्डिंग रेजिडेंट ईविल 1 रीमेक 2026 में रिलीज हो सकता है जो कैपकॉम के सीरीज के 30th एनिवर्सरी के लिए तैयार किया जा रहा है। भाई मैं लास्ट एपिसोड में RE1 रीमेक के बारे में पूछ रहा था आपसे और लो लीक्स भी आ गए उसके, लेकिन अभी कुछ भी 100% कंफर्म्ड नहीं है, हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स का वेट करना चाहिए। आपको याद ही होगा कि द लेजेंड ऑफ जेल्डा पर भी एक मूवी बन रही है। सो उसके डायरेक्टर वेस बॉल ने कहा है कि मूवी को एक्सपीरियंस लोग बना रहे हैं एंड इवन वो खुद लेजेंड ऑफ जेल्डा के फैन रह चुके हैं। अभी तक मूवी की कास्टिंग और स्टोरी को लेकर स्पेकुलेशन ही चल रही है लेकिन वेस बॉल ने बोला कि भाई वो सीरीज को ना समझते हैं और एक एक्साइटिंग मूवी बनाने वाले हैं। बाकी एक नई रेजिडेंट ईविल मूवी पर भी काम हो रहा है जो कि पहली फिल्म रेजिडेंट ईविल वेलकम टू द रकून सिटी से भी ज्यादा बजट की होने वाली है। इस नई मूवी की स्क्रिप्ट लगभग तैयार है और जल्दी कास्टिंग और शूटिंग शुरू हो जाएगी। फिल्म मेकर्स चाहते हैं कि इस फिल्म का प्रोडक्शन स्केल ना रेजिडेंट ईविल आफ्टर लाइफ जैसा हो। सोनी इस पे रेगुलर मीटिंग्स भी कर रही है ताकि नेक्स्ट मूवी के लिए सही बजट सेट किया जा सके। हाँ अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि फिल्म की स्टोरी नई होगी या फिर वेलकम टू रकून सिटी की स्टोरी को कंटिन्यू करेगी। बाकी आजकल गेम्स पर बनी फिल्म्स ना बहुत अच्छी निकल रही हैं। 12 बेस्ट गेम मूवीज जानने के लिए ना आप आई बटन वाली वीडियो जरूर देखना। बात करते हैं फाइनल न्यूज की, तो भाई 10th जून को होने वाले यूबीसॉफ्ट फॉरवर्ड इवेंट में ना असैसिन्स क्रीड रेड का न्यू ट्रेलर रिलीज हो सकता है और हमें गेम की और भी डिटेल्स मिल सकती हैं। एक्सपेक्टेड है कि भाई गेम मार्च 2025 तक लॉन्च होगा। एसुस ने अपना न्यू हैंडल्ड गेमिंग पीसी ROG Li X अनाउंस किया है। ये ओरिजिनल ROG Li का अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है जिसमें इम्प्रूव्ड बैटरी लाइफ, एक्स्ट्रा रैम और SSD स्लॉट होगा, लेकिन इसमें ना वही ओल्ड AMD Z1 एक्सट्रीम चिपसेट और 7 इंच की स्क्रीन होने वाली है और डिटेल्स हमें 2nd जून के स्पेशल इवेंट में पता लगी जाएंगी। बाकी सोनी यार कुछ अजीब ही कर रहा है, उसने PSN को 200 कंट्रीज में ब्लॉक कर दिया है जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और इवन जापान भी शामिल है। जी हाँ भाई, अपनी होम कंट्री को भी नहीं छोड़ा। इसी वजह से अब वो घोस्ट ऑफ सुशीमा के PC वर्जन के लिए रिफंड्स भी दे रहे हैं। पता नहीं ज्यादा क्या है भाई सोनी। तेन EA ना AAA गेम्स में एड्स डालने का प्लान कर रहा है। जी हाँ, उसके CEO ने कहा है कि भाई इन गेम एडवर्टाइजिंग से उनकी ग्रोथ होने वाली है एंड ऑब्वियसली लोग इस अनाउंसमेंट को लेकर काफी गुस्सा है। AAA गेम्स में भी एड्स आने लग गए तो भाई कंसोल और मोबाइल गेम्स में क्या फर्क रह जाएगा। वेल मैंने बताया था कि एक्सबॉक्स ने 4 स्टूडियोज को बंद कर दिया है, तो प्रेजिडेंट सारा बॉन्ड ने कहा कि ये डिसीजन लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए किया गया है। खैर ये सब तो बहानेबाजी है, एक्चुअली में मेन प्रॉब्लम शुरू हुई एक्टिविजन को खरीदने के बाद। उन्होंने $70 बिलियन यानी कि 5,60,000 करोड़ में कंपनी तो खरीद ली बट उनके गेम पास सब्सक्राइबर्स इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे तो वो पैसा कहां से कमाएंगे। इसलिए अब उन पे प्रेशर है कि भाई ये पैसे को जल्द से जल्द रिकवर करो, जिसके लिए वो सिर्फ ब्लॉकबस्टर गेम्स पे फोकस करेंगे एंड छोटे स्टूडियोज को बंद कर देंगे। बहुत ही सैड है बट यही हो रहा है एंड ये फेलियर ना एक्सबॉक्स के सारी अपर मैनेजमेंट के ऊपर जाता है, फिर चाहे वो फेल हो चाहे वो सारा बॉन्ड हो। सो बस यार यही था आज के गेमिंग उसके एपिसोड में। अगर आपको जानना कि भाई AAA स्टोरी गेम्स क्यों आजकल इतने बढ़िया नहीं निकल पा रहे तो उसके लिए लेफ्ट वीडियो देखना एंड माइनक्राफ्ट 1.21 में क्या क्या नया आने वाले वो सब मैंने राइट वाली वीडियो में डिटेल में बताया। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।